और स्ट्रॉन्ग चेस्ट, यू गॉट द राइट वीडियो। आज के वीडियो में हम चेस्ट रिलेटेड वर्कआउट्स के बारे में बात करेंगे और डिटेलिंग में आपको समझाएंगे कि कौन कौन सी मसल्स में वो हमें हेल्प करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग चेस्ट से रिलेटेड एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। हम हमारे चेस्ट की एक्सरसाइजेस को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे हम चेस्ट के मसल्स को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन विल बी द अपर वन, द सेकंड वन विल बी द मिडर और द इनर वन, एंड द थर्ड वन विल बी द लोअर वन। इसको साइंटिफिक टर्म्स में क्या कहा जाता है आप देख सकते हैं, बट एक नॉर्मल असेसमेंट के लिए और जिस तरीके से ईजिली लोग समझ पाएँ, हम इसको अपर, मिडिल और लोअर के हिसाब से जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमेशा चेस्ट का वर्कआउट करने से पहले हमें पुशअप्स करना है। पुशअप्स से हमारा फुल चेस्ट पूरा अच्छे से वार्म अप हो जाता है। तो पुशअप्स के लिए आपकी पोजीशन नॉर्मल रहेगी। बिगनर्स, इंटरमीडिएट्स और हमारे एडवांस लेवल के लिए अलग अलग रेप्स है। बिगनर्स इसको 8-10 रेप्स कर सकते हैं, हमारे इंटरमीडिएट्स 10-12 और हमारे जो एडवांस लेवल वाले हैं वो 15 मिनिमम करें और उस हिसाब से अपने मॉडिफिकेशंस करते रहें। सेट्स आप 1-2 ही लीजिए क्योंकि हम वार्म अप के लिए पुशअप्स कर रहे हैं। तो नॉर्मल आपका जो स्क्वीजिंग है, स्क्वीजिंग पूरा अच्छे से होना चाहिए। तो जब आप नीचे जा रहे हैं तो 2 सेकंड का पॉज लीजिए और फिर वापस आप स्लोली आए। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो इससे मिलेगा तो आपकी जो मसल्स हैं चेस्ट की पूरी अच्छे तरीके से स्क्वीज और वार्म अप हो जाएंगी। ये आपकी पोजिशन रहेगी और आप नीचे जाएंगे, होल्ड करेंगे और फिर ऊपर आएंगे। सबसे पहले हम बेंच प्रेस के साथ स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली अगर आप घर पे हैं तो आपके पास में बेंच नहीं होगा, तो आप फ्लोर पे इसको कर सकते हैं। तो फ्लोर प्रेस के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइजेस सबसे अच्छी और शुरुआत में करने के लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि जब आप ये करेंगे तो पूरे आपके तीनों मसल्स, अपर, इनर, मिडिल और लोअर, ये तीनों मसल्स जो हैं वो अच्छे से आपकी इसमें यूज होती हैं। तो आप डंबल्स लेंगे, डंबल्स के साथ साथ आप बॉटल्स और अल्टरनेटिव जो भी डंबल्स के हैं आपके घर में वो भी ले सकते हैं। आप ये पोजीशन में रहेंगे, हाथ एकदम स्ट्रेट, आपके रिस्क एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, ये पोजीशन नहीं रहना चाहिए, एकदम स्ट्रेट, और आप नीचे आएंगे और फिर ऊपर जाएंगे। हमेशा याद रखिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का टाइम मिलना चाहिए, तो धीरे आते हुए होल्ड करें और फिर ऊपर जाएं। हमेशा जब भी आप लिफ्ट कर रहे हैं वेट को तो हमेशा ब्रीथ आउट करें, और जब भी आप वेट डाउन करेंगे तो ब्रीथ इन करेंगे। अब हम क्रश प्रेस करेंगे। नॉर्मल जो हमारा बेंच प्रेस का पोजीशन रहता है उसमें हाथ ऐसे और हम ये लेके जाते हैं। क्रश में हमारे ग्रिप चेंज हो जाएगी, हम ऐसे डंबल्स को पकड़ेंगे और जितना क्लोज हो सके अपने एल्बोस को अपने चेस्ट के इधर लाएंगे और ये हमारा पोजीशन रहेगा। ये जो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें यूजुअली हमारे मिडिल एरिया के लिए बहुत अच्छी रहती है, मिडिल चेस्ट के लिए, साथ साथ ये हमारे ट्राइसेप्स पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देती है और उसे भी स्ट्रॉन्ग करती है। तो हमारा पोजीशन आप देख सकते हैं और ये इस तरीके से नीचे जाएंगे, पास में रहेगा एल्बो हमारे अपर बॉडी के और फिर वापस ऊपर। ये दोस्तों पिलो आ चुका है, बट सोने की कोई बात नहीं है। ये एक्सरसाइज फ्लाई की है। फ्लाई में हम लोग, ये पोजीशन हमारा रहेगा, हम लोग का जो एल्बो से नीचे वाला हाथ पोजीशन है उसको थोड़ा सा अंदर रखेंगे, स्ट्रेट नहीं रखेंगे ये, और नीचे ले जाएंगे, अच्छा स्ट्रेच इधर
आना चाहिए और फिर हम लोग वापस सीधे आएंगे। अब पिलो को हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम इसको यहाँ पे रखेंगे, हमारा जो बैक है उसको इधर रखेंगे, जिससे हमारे को एक एलिवेशन मिल पाए और हम थोड़ा और अच्छे से नीचे जाके अच्छा स्ट्रेच कर सके और फिर ऊपर उसको ला सके। तो हमारा ये मूवमेंट रहेगा, हमने बैक को यहाँ पे अच्छे से आप प्लेस कर लीजिए और ऐसे नीचे जाएंगे और वापस ऊपर आएंगे। अच्छा टाइम मिलना चाहिए आपको स्ट्रेच का पूरे और फिर वापस पीस का। तो ऐसे आप नीचे गए और फिर आप ऊपर आएंगे। तो फ्लाइज आप जब भी कर रहे हैं तो आपका जो स्क्वीज होगा इधर से और जो स्ट्रेच होगा उससे आपके मिडिल और इनर चेस्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है। साथ साथ अगर आप इसको कॉम्बो में करना चाहते हैं तो जो हमने आपको क्रश प्रेस बताया था वो आप अल्टरनेट कर सकते हैं। पहले आप क्रश प्रेस करके ऊपर गए और फिर आपने फ्लाई किया, फिर आपने क्रश प्रेस किया, फिर आपने फ्लाई किया। ये एक अच्छा कॉम्बो एक्सरसाइज हो सकता है। अब हम अपर चेस्ट के बारे में बात करेंगे। अपर चेस्ट में आप एक चीज याद रखिए कि जो भी आप इंक्लाइन में जो भी आप चेस्ट की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वो आपके अपर चेस्ट को बहुत अच्छा इम्प्रूव करती है। तो जो हमने बेंच प्रेस किया था, जो हमने फ्लोर प्रेस किया था फ्लैट, वो जब आप इंक्लाइन में करेंगे, जो आपने फ्लाइज किया था वो आप जब इंक्लाइन में करेंगे तो वो अच्छा आपके अपर चेस्ट के लिए रहता है। सबसे पहले हम इंक्लाइन बेंच प्रेस करेंगे। अगर आपके घर में एडजस्टेबल बेंच नहीं है तो आप पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ा एलिवेशन मिल पाए। मैंने यहाँ पे दो पिलोज रखे हैं, आप तीन रख सकते हैं, अपने हिसाब से एलिवेशन को बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल हमारा पोजीशन जैसा हमने बेंच प्रेस में किया था वैसा रहेगा। आप जो नॉर्मल पोजीशन में है एकदम स्ट्रेट आपके हाथ रहेंगे, रिस्ट भी स्ट्रेट रहेंगे और आप इस तरीके से नीचे आएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज इंक्लाइन फ्लाई। जैसे हमने नॉर्मल फ्लाई किया था वैसे ही हम थोड़ा एलिवेट होके वही मूवमेंट हमारा रहेगा और उस हिसाब से इसको करेंगे। ये आप हाथ स्ट्रेट, रिस्ट स्ट्रेट, आप नीचे अच्छे स्ट्रेच के साथ इसको ले जाएंगे और वापस अच्छे से ऊपर लाएंगे। स्पीड अच्छा होना चाहिए, टाइम मिलना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। माई नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो पुल ओवर है। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है हमारे अपर बॉडी के लिए, हमारे शोल्डर के स्ट्रेंथ के लिए भी ये बहुत अच्छी रहती है। आपके पास में बेड का एज हो आप बेड के एज से ले सकते हैं इसको। मेरे पास में बेंच है तो मैं आपको अच्छे से बेंच पे करके बता रहा हूँ। आप पूरा लेट के भी, पूरे बेंच पे लेट के भी ये मूवमेंट कर सकते हैं। पहले मैं आपको स्टैंडिंग पोजिशन में दिखा देता हूँ। आपके हाथ स्ट्रेट रहेंगे और आपका मूवमेंट ये रहेगा, सामने आपके हलाएंगे और फिर आप पूरा इसको पीछे ले जाएंगे। एक डंबल से करेंगे। इस पोजीशन में आपके कोर भी बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाते हैं। आप यहाँ रहेंगे, आपका जो बैक है पूरा बेंच पे रहेगा, आपके फेस के सामने डंबल रहेगा और आप इसको नीचे ले जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 45 डिग्री बेंच प्रेस। हमारे 45 डिग्री बेंच प्रेस की एक्सरसाइजेज और जो हम आगे अब एक्सरसाइजेज बताएंगे वो सब सारी लोअर चेस्ट के लिए हैं। 45 डिग्री बेंच प्रेस में हमारा जो नॉर्मल पोजीशन रहता है बेंच प्रेस का, उससे थोड़ा सा हमारा नीचे रहेगा हाथ और हमारा मूवमेंट कुछ ऐसा रहेगा। तो चलिए इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। ये हमारा पोजिशन रहेगा, यहाँ से हमारे जो हाथ है वो यहाँ आ चुके हैं
और जो नॉर्मल हमारा जो बेंच प्रेस है हम उसको वैसे ही करेंगे, बट वो उस तरीके से उस पोजीशन में वापस आना चाहिए। नेक्स्ट हम डिक्लाइन बेंच प्रेस करेंगे। इसमें हम लोग जैसे फ्लैट और इंक्लाइन बेंच प्रेस किए थे, पिलो का इस्तेमाल करेंगे। पिलो को हम हमारे हिप के थोड़े से ऊपर के साइड में रखेंगे जिससे हमको इधर से एलिवेशन मिल सके। नॉर्मल जो हमारा बेंच प्रेस में मूवमेंट था वो वैसा ही रहेगा। ये हमारे लोअर चेस्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये पोजिशन में हम रहेंगे, नॉर्मल हमारा जो मूवमेंट है वो ऐसा ही रहेगा। आप चाहें तो लेग्स आप स्ट्रेट कर सकते हैं और इसके साथ भी कर सकते हैं, इससे कोर एक्टिवेशन बहुत अच्छा मिलता है। हमेशा जब भी आपका चेस्ट के सारे वर्कआउट हो गए हैं तो हम एक पर्सनल सजेशन जो देते हैं लोगों को वो ये है कि आप पिरामिड पुशअप्स कीजिए। पिरामिड पुशअप्स में क्या है कि आप फ्लैट पुशअप्स करेंगे, उसके तुरंत बाद आप इंक्लाइन पुशअप्स करेंगे और उसके तुरंत बाद आप डिक्लाइन पुशअप्स करेंगे। रेप्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 10 10 10 12 12 12 अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उनको लीजिए। एक पूरा सेट तीनों का मिला के उसको ये एक सेट हो जाएगा। आप ऐसे तीन सेट करिए, ये पिरामिड की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आपके चेस्ट की स्ट्रेंथ बताने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज के बाद जब आप ये करते हैं तो तब आपको बहुत अच्छे से पता चल पाता है कि आपके चेस्ट का स्ट्रेंथ कितना अच्छा हो गया है। That's it, that's all we had. हमेशा एक important बात याद रखिए कि warm up करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जब भी आपका exercise ख़त्म हो जाए तो अच्छे से जो भी आपने muscle की exercise की है उसको अच्छे से stretch करिए, उससे आपको आगे चल के pain नहीं होता है। और water intake बहुत अच्छा रखिए, जो भी exercise आप कर रहे हैं उससे आपको बहुत अच्छा benefit मिलता है। ऐसे ही particular exercises के videos हम लाते रहेंगे, workout के videos हम लाते रहेंगे, और आप हमें कमेंट सेक्शन में भी एडवाइस करिए कि हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेज और लाएं जिससे आपको हम बहुत अच्छे से हेल्प कर सकें। थैंक यू, स्टे सेफ, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।